अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, शामदीद कहता हूँ आपको अपने YouTube चैनल पर। लास्ट इंटरव्यू मैंने एक सुपरस्टार, एक लेजेंड एक्ट्रेस का किया था। जगह वही थी, बस ड्रेसेस चेंज हैं। और सुपरस्टार मेरे साथ फिर से मौजूद हैं। एक दफ़ा फिर से मुझे मौका मिला कि मैं उनका इंटरव्यू कर सकूं। इनके हवाले से पहले जो बातें हुई, ये ऐसी एक्ट्रेस हैं कि अगर 3-4 घंटे का मुकम्मल इंटरव्यू किया जाए तो यकीन जाने फिर भी 1% जो इनका था वो नहीं पूरा हो सकता। इन्होंने इतनी खिदमात पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में इनकी हैं। वैसे तो एज ए एक्ट्रेस, एज ए इनका जो डांस था बड़ा पॉपुलर था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इंटरव्यू में, फिर मैंने आपको बताया था कि उर्दू पंजाबी फिल्म। अब बात करते हैं इनकी जुर्रत के हवाले से। ये बड़ी बहादुर खातून, एक एक्ट्रेस इतनी बहादुर हो जाए कि हबीब जालिब साहब जैसे नामवर शायर उसके लिए एक शेर लिखते हैं। कसरे शाही से ये हुक्म सादिर हुआ, लाड़काना चलो वरना थाने चलो। चलते हैं उस बहादुर लड़की के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी बात है कि आपको आज भी वो शेर याद है। मुझे कुछ याद हो ना हो ये शेर मैं नहीं भूलता। मुझे एक ही शेर आता है और वो यही शेर है, इत्तेफाक की बात है। अच्छा, ये इसके पीछे क्या स्टोरी थी, थोड़ा सा अगर आप चाहें तो बताइएगा प्लीज़। मैं क्या बताऊँ। बहरहाल मुझे उन्होंने इनवाइट किया, शेरपाओ ब्रिज बन रहा था, उन्होंने कहा कि चाय पी लें आके। तो मैंने काफ़ी बातें इधर उधर की सुनी हुई थी, तो मैंने कहा कि वो भुट्टो साहब हैं तो मैं मुमताज़ हूँ, मैंने नहीं जाना जी। तो मैंने इनकार कर दिया, तो मैं नहीं गई जी। फिर तो आज जालिब साहब ने ये शेर कह दिया। अच्छा, लास्ट इंटरव्यू में काफ़ी सारी चीज़ें मिस हो गई थी जी। सबसे पहले तो अली जा साहब, वो आपके जो कहते थे कि मैं अगर हीरो बना तो उसके पीछे वजह मुमताज़ थी, क्योंकि उनको एज ए हीरोइन उनके साथ कोई भी काम करने के लिए रेडी नहीं थी एक्ट्रेसेस। अब नाम नहीं मेंशन करना चाहूँगा मैं, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस है जो अब हयात नहीं है जी। तो आप ज़रा बताइएगा कि आपके ख्याल माइंड में कैसे आया कि आप एज ए हीरोइन उनके साथ काम करें। अल्लाह ताला उन्हें गरीके रहमत फरमाए। अली एजाज साहब को बहुत अच्छे इंसान थे जी, बिलाशुबा, और आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे थे, और अल्लाह ताला ने उन्हें एक चांस दिया था। तो उनके जितने भी हमारे उस दौर की हीरोइंस थी वो सब कहती थी ये मसखरा है। अच्छा, तो उस वक्त कॉमेडी फिल्म का कोई इस तरह वो रिवाज या दस्तूर नहीं था जी, तो किसी ने उनके साथ काम करना नहीं पसंद किया। और अपनी जगह पर वो ठीक भी थी, गलत नहीं थी, क्योंकि कॉमेडी फिल्में नहीं बनती थी जी। जी, फिर लास्ट में मैं रह गई थी, तो हैदर चौधरी साहब ने कहा, अल्लाह ताला उन्हें भी गरीक रहमत फरमाए, चाई साहब ने कहा कि तुम करोगी, ये अली इजाज है इसके साथ। तो मैंने तो एक सेकंड भी नहीं लगाया, मैंने कहा मैं करूँगी। और अल्लाह उनको गरीक रहमत करे अली इजाज साहब को। वो अपनी जब तक उनकी डेथ हुई वो कहते रहे भाई मैं हीरो आया तो मुमताज़ की वजह से, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। और उनके साथ आपके बड़े सुपरहिट सॉन्ग्स थे, मैं की प्यार भी चुखटिया, ठीक है जी, जी। तो थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस अगर बता दें उनके साथ जो सॉन्ग्स थे, जैसे एक वो था, उसके अलावा रब जाने, मैं ते मेरा दिल भर जाने, उसको कैसे भूल सकते हैं हम, सही वो सॉन्ग था। इसके अलावा और बेशुमार आपके सॉन्ग्स हैं उनके साथ, तारियां दे देश विच, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, जो मैं जब नया साल शुरू होता है तो मुमताज़ जी को मैं ये सॉन्ग भेजता हूँ, मैं कहता हूँ ये देखो मेरी सुपरस्टार, मेरी शहजादी, हमें आज भी हम जो न्यू ईयर मनाते हैं आपके इस सॉन्ग की वजह से मनाते हैं। थैंक यू सो मच। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस को बताएं कि वो सेट पे किस तरह के हुआ करते थे। सेट पे वो मोस्टली क्वाइट ही रहते थे, ज़्यादा जोक नहीं करते थे जी, हाँ सीरियस रहते थे, लेकिन जब वो आ जाते थे कैमरे के सामने फिर वो जोक भी करते थे। सुलझी हुई पर्सनैलिटी थी जी, बहुत ही सुलझे हुए थे, ज़्यादा किसी के साथ घुलते मिलते नहीं थे, कोई बदतमीजी नहीं करते थे, बहुत अच्छे इंसान थे जी, जी। और उनके मुकाबले में अगर नन्ना साहब के लिए आ जाए, अल्लाह उन्हें भी गरीके रहमत फरमाए, तो वो बड़े जॉली थे। अच्छा, वो कुछ ना कुछ लगे ही रहते थे, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, तो वो हंसते खेलते रहते थे। और जब ये दोनों ही इकट्ठे हो जाते थे फिर दोनों एक दूसरे के साथ शुरू हो जाते थे, और बड़ा मज़ा आता था इनके साथ काम करने का। वैसे तो हीरोज़ बहुत हैं, पर चंद हीरोज़ का नाम बहुत ज़रूरी है जो लास्ट वीडियो में नहीं हुआ, जैसे कि मुनव्वर ज़रीफ़ साहब, उनके साथ पहला ही आपका सुपरहिट सॉन्ग था जी, बिल्कुल, आँख लड़ी बदोबदी। आँख लड़ी बदोबदी
भी, वो भी बहुत ही अच्छे, और मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की तरह के इंसान तो दोबारा नहीं आ सकते। हाँ, बिल्कुल ऐसे बिला शुबा। उनके साथ रिहर्सल कुछ और होती थी, डायलॉग कुछ और था, तो मैंने भी रट्टा लगा लिया, उन्होंने भी रट्टा लगा लिया, एक्सप्रेशन भी याद हो गए, फुट जो आपने चलना है, इधर जाना है, दाएं बाएं जाना है, वो भी हमने याद कर लिया जी। उसके बाद जब डायरेक्टर साहब ने कहा टेक, जैसे ही क्लैप हटती थी कैमरे के आगे से जी, उनके डायलॉग ही चेंज हो जाते थे। अच्छा। और मैं अब बैठ के सोच रही हूँ कि अब कब मैंने बोलना है, कब मैंने बोलना है, कब मैंने बोलना है, तो फिर वो अपना डायलॉग खत्म कर दे, यानी वो मुझे कहते थे कि अब तुम्हारी बारी है, बोलो। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब जी, लेकिन आपने तो डायलॉग चेंज कर दिया, तो मैं अब क्या बोलूँ, कौन सा क्यों मैं लूँ। मैंने कहा आप ये क्यों करते हैं, कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से आता है मुझे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे। अच्छा, बहुत अच्छे, अल्लाह उनको भी जन्नत में जगह दे। फीमेल एक्ट्रेसेस में आपकी आसिया बेगम बड़ी बेहतरीन, मेरी बड़ी बेहतरीन, उनके हवाले से कोई यादगार लम्हा? वो बड़ी अच्छी थी, अल्लाह ताला ने खरीके रहमत फरमाए। शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि स्टार्ट में तो उनकी मेरे साथ नहीं इतनी बनी। आपको चिट्टी गोरी कर लगी वो, प्लीज हमारे व्यूअर्स को आप बताइएगा। तो शबाब किरानवी साहब के स्टूडियो में हम दोनों थे, तो आसिया बेगम पहले ही बैठी हुई थी, और मैं भी आगे ड्रेस वगैरह चेंज किया, तो मैंने मेकअप शेकअप हल्का सा किया। इनकी शायद अभी बारी नहीं है, किसी और फिल्म के लिए गई थी, मैं किसी और फिल्म के लिए गई थी। तो जैसे ही मैं तैयार होकर निकलने लगी, तो इन्होंने पीछे से मुझे एक डायलॉग कसा, गोरी रंग थी इन्ना मान्य की तकर। मैंने ना टर्न करके देखा, मैंने कहा आप मुझे कह रही हैं? तो कहती हाँ होर तेन भी कह रही हैं। मैं उनके पास आके बैठ के मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैंने चूमा, मैंने कहा यार नहीं, गोरे रंग थे कोई मान नहीं, देर हो रही है जी, और राय साहब चले जाएंगे या मुस्तफ़ा साहब थे, मुझे ये नहीं याद कौन सी फिल्म। मैंने उनको गले लगा लिया, गले लगा लिया। वो खुद परेशान हो गई कि आसिया बेगम, आसिया बेगम ने सोचा आसिया बेगम पागल है या ये मुमताज़ पागल है। फिर हमारी दोस्ती बड़ी पक्की रही, जब तक वो माशाल्लाह हयात रही, काम उन्होंने किया, हमारी बड़ी पक्की दोस्ती रही। हाँ जी बिल्कुल। इसके अलावा और कौन सी फीमेल स्टार थी जो आपके बहुत क्लोज थी? जैसे मुझे तो पता है एक थी मापारा साहिबा, आपकी बड़ी अच्छी दोस्त थी, बिल्कुल बिल्कुल, आमीन। और फिरदौस जी, उनका भी जब इंतकाल हुआ तो मुमताज़ साहिबा बेहद अफसरदा थी और बड़ी दुखी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मुमताज़ साहिबा से मैं रिव्यूज़ लेता था, तो हमारे जो फ़नकार इस दुनिया में नहीं, मुमताज़ साहिबा मखसूस जो दिन होता था जब उनकी बरसी होती थी, तो उनकी डीपी लगा लिया करती थी व्हाट्सएप पे, आपको याद है? तो वो मखसूस उनकी व्हाट्सएप पे अपनी डीपी लगा लेती थी और कहती थी कि मैं, मतलब ये जो एक दो दिन है, मैं इनकी याद में गुजारना चाहती हूँ। बिल्कुल सही। जैसे अली जा साहब हो गए, नन्ना साहब हो गए, सुल्तान राही साहब हो गए। सुल्तान राही साहब के साथ तो आपने बड़ी यादें शेयर की, कोई एक छोटी सी याद हमारे व्यूवर्स के लिए। एक हमारी शूटिंग हो रही थी शबाब स्टूडियो में जी जी, गाना था, यूनिस मलिक साहब डायरेक्टर थे जी जी, तो हम गाना था, यानी मैंने गाना था, डांस करना था, वो तो बीच में ऐसे ही फिरते रहते जी जी। ऊपर वो उसका छत्ता लगा हुआ था जी, शहद की मक्खी का, तो मुझे मेरा हाथ पकड़ के ले जाके कहते हैं इसको ना छेड़ना, अच्छा इसको कुछ भी ना कहना जी, अगर आपने इसको छेड़ दिया तो ये आपको काटेंगी जी। मैंने कहा नहीं, मेरा तो काम ही नहीं है, मैं तो उधर अपना काम कर रही हूँ, मेरा इसके साथ क्या काम है। कहते बस मैंने यही आपको समझाना। अच्छा। डांस शुरू हो गया, शूटिंग शुरू हो गई, काम शुरू हो गया, थोड़ी देर के बाद राय साहब ने उसको छेड़ दिया जा। अच्छा। छेड़ने के बाद खुद भाग के गाड़ी में बैठ के चले भी गए। अच्छा। सारे, मैंने इतना जेवर पहना हुआ था, मेकअप किया हुआ था, लाचा कुर्ता पहना हुआ था, मैं उधर ही खड़ी हूँ। अच्छा। सारी मुझे चिपक गई, सारी इधर उधर उधर उधर, अब मैं कह रही हूँ मुझे भी बचाओ, मुझे भी बचाओ। फिर आखिर वो दो दिन मैं हॉस्पिटल में रही। तो बड़ी शरारती थे, बहुत शरारती थे, जॉली भी थे और बहुत दीनदार बहुत थे, बहुत अच्छा। हमारी एक आर्टिस्ट थी, अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह दे, बड़ी जवानी में हमें छोड़ के चली गई, नादरा। उनके साथ आपने काम भी किया, एक दो फिल्म्स आपने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके हवाले से बताएं कि वो नेचर उनका कैसा था? बहुत अच्छा। उनके हवाले से कोई याद? बड़ों की नहीं, हमारा जॉइंट काम तो कभी अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन हम एक फिल्म में थे जी जी, जैसे कि एक फिल्म में दो हीरोइन दो हीरो थे। बिल्कुल, लेकिन वो बहुत अच्छी थी। बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, बड़ों को मान कैसे देना है, इज्जत कैसे दी जाती है, बहुत अच्छी थी वो, और मुझे बड़ी पसंद थी जी, बहुत अच्छी। अल्लाह उनको जन्नत में आमीन, आमीन आमीन। अच्छा, अब ये बताएं कि ज़ीशान साहब का तो जिक्र लाजिम व मलजूम है जी, क्योंकि वही, उन्हीं की वजह से आप भी आई। और देखिए, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपके कितने परिस्तार हैं।
कितने लाखों की तादाद में आपके परिश्तार हैं जिनको आपने इतने साल तड़पाया, इतने साल आप अपने परिश्तारों से दूर रही। तो ये बताइएगा कि अगर आपको कोई काम मिलता है अज़ीशान साहब की वजह से या फिर उनके साथ कोई काम अगर आपको करने का मौका मिला तो आप किस तरह का कैरेक्टर करना चाहेंगे? देखिए, मेरा बेटा मुझे यहाँ पे लेके आया, अल्लाह ने लंबी ज़िंदगी दी, आमीन, आमीन। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, आमीन आमीन। वो मुझे लेकर आए हैं तो उनके लिए मैं कोई भी रोल कर सकती हूँ। अच्छा जी, वैसे आप भाभी के रोल में भी अच्छी लगेंगी। मैं कहती हूँ आप हीरोइन के रोल में भी अच्छी लगेंगी। आप लड़की हैं माशाल्लाह से, हीरोइन स्वीट। अब मैं हमेशा कहता हूँ हीरोइंस कभी भी जो है ना उनको ये ना कहेंगे ये बड़ी एज, क्योंकि एज इज जस्ट अ नंबर। और ये तो लड़की है, आज भी देखिए ब्लैक ड्रेस में कितनी अच्छी लग रही है, मुझे भी पीछे फेंक दिया। जीते रहो जीते रहो, माशाल्लाह से सलामत। अल्लाह पाक ज़ीशान साहब को बहुत सारी कामयाबियां दे, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। तो पंजाबी बोल लेते हैं लेकिन इस तरह नहीं बोलते जिस तरह के हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन वो बच्चा बहुत मेहनत करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इस ज़ीशान साहब ने बहुत मेहनत की भी है ऑलरेडी, उन्होंने क्लासेस भी ली हैं 2 साल माशाल्लाह से, 2 साल। और मेरे अंदाजे में जो गंडासा कल्चर है ना इसको अब नहीं आना चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये एक अपने इंटरव्यू थ्रू हम ये भी चीज कहेंगे कि अब ये दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए मजीद आगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अब स्टोरियां चेंज हो रही हैं। और मुझे ज़ीशान का जो मैंने इंटरव्यू किया था उसके नीचे मुझे कमेंट आया था कि ये लड़का इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करेगा इंशाल्लाह। और वहीद मुराद साहब से मुशाबहत है जी, तो बड़े अच्छे अच्छे माशाल्लाह से पॉजिटिव कमेंट्स आए। तो बेस्ट ऑफ लक ज़ीशान साहब के लिए और हम आपको भी दोबारा ज़रूर देखना चाहेंगे। अच्छा, मैडम नूर जहाँ साहिबा का अगर जिक्र ना हो तो इंटरव्यू अधूरा रहेगा। इतने सॉन्ग्स हैं, बिंदी चमके पसीने नाल और अख लड़ी बद्दोबद्दी और छड़ मेरी वीणी ना मरोड़। मैं कहता हूँ कि उनके तो ऐसे लगता है कि सारे उनके सुपरहिट सॉन्ग्स आपकी झोली में आ गए। जज़ाकअल्लाह। तो ज़रा बताइएगा कि वो आपको माइंड में सोच के गाती थी, आपको महसूस करती थी अपने ख्यालात में फिर गुनगुनाती थी, ज़रा थोड़ा। देखिए, उन शख्सियत का तबसरा करना मैं तो नहीं कर सकती। अच्छा, वो इतनी बड़ी शख्सियत थी जी और इतनी बड़ी फनकारा थी, इतनी बड़ी गुलकारा थी जी। जब गाना उनके सामने आता था तो उनको मूड बताया जाता था जी कि ये लव सॉन्ग है, ये फाइट सॉन्ग है, ये नफरत सॉन्ग है, तो वो उसी तरह से अपने आप को आवाज़ को बना लेती थी जी। और मेरा ख्याल है कि मैडम नूर जहान का गाना जी अगर किसी हीरोइन पे नहीं है तो वो हीरोइन बदकिस्मती हीरोइन ही नहीं है वो। और आपके हिस्से में तो भर भर के आपके हिस्से और वो बड़ी अच्छी खातून थी, सिंगर बहुत अच्छी थी जी, आर्टिस्ट बहुत अच्छी थी, माँ बहुत ही अच्छी थी, बिल्कुल अल्लाह ताला ने गरीक़ रहमत फरमाए, बहुत अच्छी खातून थी और बहुत प्यारी शख्सियत थी। बेशक बेशक। अच्छा, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के साथ भी आपका बड़ा काम है, तो उनके हवाले से बताइएगा कि वो एज ए आर्टिस्ट कैसे थे और जब उनकी ऑफ द कैमरा उनके मिजाज कैसा था? जैसे आपने मुनव्वर साहब को बताया, अली जाह साहब को बताया कि वो काफ़ी क्वाइट रहते थे, तो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब कैसे थे? हाँ, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की पर्सनालिटी बड़ी ही खूबसूरत और नायाब है जी। वो ज़्यादा सेट पे बोलते नहीं थे। अच्छा। अपने काम में उनकी वो तवज्जो रखते थे और उन्होंने जो सिंध से जब वो आए तो पंजाब ने, उनके खुद के अल्फाज हैं कि पंजाब बाजू खोल के मेरे लिए खड़ा था और पंजाब ने मुझे गले लगाया और जो कुछ भी मुझे पंजाब ने दिया वही मेरे पास है जी। बड़ी अच्छी, बड़े स्वीट, लेकिन जो उन्होंने अपना रवैया अख्तियार किया था फिल्म के लिए जी जी, क्या बात, कोई आर्टिस्ट ऐसा कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। क्या डायलॉग था उनका बड़ा मशहूर, नवाया सोनिया, क्या बात है। मैं बड़ी इज्जत करती हूँ उनकी, वो बहुत ही अच्छे और बड़े खूबसूरत इंसान है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा कि आप तो कराची में पैदा हुई, कराची आपकी जन्मभूमि है जी, बिल्कुल। वो हमने लास्ट इंटरव्यू में भी नहीं पूछा, तो ये बताएं कि पंजाबी इतनी किस तरीके से सीख ली और माशाल्लाह वही चीज़, वही स्किल मैं कहूँगा ज़ीशान साहब में भी है कि वो बड़ा अच्छा बोलते हैं। मैं जब वो पंजाबी बोल रहे थे, कनेडियन मुंडा मैं आई वाज लाइक कि यार ये कनाडा से है, इतनी अच्छी वजह है। आपको तो पता ही, मेरे वाले साहब लखनऊ से हैं जी जी, मेरा ददियाल सारा लखनऊ से है, मेरा जो ननियाल है वो सारा पंजाब से जी। और मैंने माशाल्लाह से इनके वालिद के साथ भी इनको देखा पिक्चर, माशाल्लाह बड़ी हसीन लग रही हैं उसमें भी, और इनके वालिद साहब भी माशाल्लाह बहुत हैंडसम थे। और माशाल्लाह से आपने जो उर्दू पंजाबी जितनी भी फिल्म्स की सभी में सुपर हिट रही। और मुझे बड़ा शौक रहता है लैंग्वेजेस सीखने का,
मेरी कोशिश होती है कि जैसे दो दो लफ्ज़ मैं सीखती हूँ तो मैं कहती हूँ अच्छा मैं इसमें भी घुस सकती हूँ, मैं मुझे बहुत शौक है लैंग्वेज सीखने का। और मुमताज़ जी इकलौती बेटी थी इसीलिए इनके इतने नाज नखरे उठाए गए और इनकी हर बात इसीलिए मानी गई क्योंकि ये अपने वालदैन की इकलौती औलाद थी। बिल्कुल सही बात। इनका जो है ये जो कहती थी फिर जाहिर है इनके वालदैन वही होता है सरेंडर कर देते थे वो कह देते थे। और माशाल्लाह से इनकी जो जुबान जो उर्दू बोलती हैं हम लोग तरसते हैं ऐसा बोलने के लिए। ये लखनवी जो उर्दू होती है ना प्योर उर्दू, हम लोग वो जो होता है ना तलफ़ुज के साथ हम लोग नहीं पहुंच भी नहीं सकते क्योंकि वो आपकी एक ब्लड में है ना, वो आपके घर में बोली जाती है तो आप उसी को अडॉप्ट करते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही जी। अब इजाज़त, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, जजाकल्ला। अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे सेहत दे, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह पाक आपको खुश रखें, जजाकल्ला। आमीन। व्यूअर्स अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, ये देखिए जी इतनी इज्जत इतनी रिस्पेक्ट करती हैं, अल्लाह पाक इनको इतनी खुशियाँ दे इतनी खुशियाँ दे कि समेटे तो समेटी ना जाए। और मेरी हमेशा ऑनर करती सुबह से लेके शाम तक के थक के बिल्कुल चूर हुई हैं और अब इनका रेस्ट का टाइम था, ये ऑलमोस्ट हम तकरीबन 1 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस तरह की जो अजीम आर्टिस्ट हैं वो आपको दुनिया में नहीं कहीं मिलेंगे। इन्होंने मुझे कहा शाह जी आ जाए और रिकॉर्डिंग करें, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह इसकी जज़ा आपको दे। आमीन। बहुत शुक्रिया। आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।